जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। इंतजार खत्म हुआ CDS एस्पिरेंट्स, आज से लेके 11 जनवरी शाम 6 बजे तक CDS 1 2022 का फॉर्म विल बी ओपन, जिसका इम्तिहान 10 अप्रैल को होगा। ये जो एग्जाम CDS 1 2022 का होगा उसमें इन टोटल 341 सीट्स होंगी। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिसका डिस्क्रिप्शन है 100 सीट्स हैं IMA की। मैं आपको बता दूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो कोर्स होगा वो 154th कोर्स होगा। इंडियन नेशनल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी INA में 22 सीटें, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद 32 सीटें, OTA चेन्नई मेल्स के केस के लिए 170 सीटें, फीमेल्स के केस में OTA चेन्नई में 17 सीट्स हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये टोटल है 341 सीट्स। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 तक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 तक, दोनों एज ब्रैकेट्स इंक्लूडेड हैं। INA और IMA में सिर्फ और सिर्फ बॉयज एलिजिबल हैं। एयरफोर्स एकेडमी में 20 से 24 साल तक 20 to 24 years, जिसके लिए एज है 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 तक। वहीं कुछ CPL होल्डर्स भी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स भी फॉर्म को अप्लाई करके एयरफोर्स एकेडमी में जा सकते हैं। उनके लिए जो एज है वो है 2 जनवरी 97 से 1 जनवरी 2003 तक। डिफेंस एस्पिरेंट्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो OTA के लिए एज है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 तक। आशा करते हैं कि आपने एज ब्रैकेट सही से सुना हो। फीमेल्स के केस में अनमैरिड वुमन, इश्यूलेस विदाउट चाइल्ड डाइवोर्सी वुमन, विदाउट चाइल्ड विडो भी एलिजिबल हैं। मेल्स के केस में मेल जो डाइवोर्सी है या जो विडोअर है उसको अनमैरिड नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसलिए अनमैरिड मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि नेवी के लिए ग्रेजुएशन बीटेक चाहिए, ग्रेजुएशन में बीटेक चाहिए, बीटेक या बीई, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं ग्रेजुएशन में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती UPSC के एग्जामिनेशंस में। जिनकी जो भी ग्रेजुएट्स जिनकी पहली चॉइस आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, उन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन SSB के वक्त देना होगा डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो देरी किस बात की, UPSC के वेबसाइट पे जाइए और फॉर्म भरिए। फॉर्म फीस लगेगी 100 rupees की। वहीं जो 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 बोर्ड्स ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स हैं, जो जो OR रैंक JCOs रैंक के बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये था CDS 1 2022 का फॉर्म नोटिफिकेशन, जिसपे हमने एज की बात की है, हमने एलिजिबिलिटी की बात की है एंड क्राइटेरिया की बात की है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए और न्यूज़ के लिए बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। अब हम डिटेल्ड NDA के जो जो NDA का सिलेबस है एंड CDS का सिलेबस ये लाएंगे अलग अलग वीडियोस के द्वारा। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।